रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार में जितेंद्र गोगी की हत्या का बदला लेने के लिए हमले की साजिश रच रहे कुख्यात बदमाश को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान करमवीर उर्फ काजू के रूप में हुई है, जो कि जिला अदालत में पेशी के दौरान विरोधी गैंग के सरगना सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया पर हमले की साजिश रच रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और इसी मामले पर क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर धीरज कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी, जिसके बाद हमारी क्राइम ब्रांच की टीम पर्टिकुलरली इंटरस्टेट सेल ने एक नोटोरियस क्रिमिनल रादर गैंगस्टर करमवीर अलियास काजू को गिरफ्तार किया है। हम लोगों को इसकी सूचना मिली कि ये दिल्ली के ही महरौली के एरिया में एक फार्म हाउस में, जो मोस्ट प्रोबेबली इसके मैटरनल रिलेशंस का है, वहां पर ये आके रात में रुकता है। दिल्ली में रुक के बहादुरगढ़ जाके ये बार बार क्राइम करके, मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस करके यहां पर आकर ये रात में अपना पनाह घर बना लिया था। तो उस पर हम काम करते हुए हमारी टीम आईएसी की, ये फार्म हाउस है गदाईपुर में, वहां पर हम लोगों ने रेड किया और जब ये पुलिस टीम को देखा तो भागने लगा, तो इसको हम लोगों ने पकड़ लिया। इसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल 9mm रिकवर हुई लाइव राउंड्स के साथ, और ये i20 कार भी वहां पर थी जिसमें वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया।